कोरोना एसओपीस पर अमल करने के लिए पाक फौज तलब, फौज को रेंजर्स और पुलिस की मदद के लिए कहा है। पहले सूरत हाल और अब की सूरत हाल में बहुत फर्क है, एहतियात ना की तो दो हफ्ते में भारत जैसे हालात हो सकते हैं। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम का खिताब, कहा लॉकडाउन के लिए नहीं कर रहा क्योंकि गरीब मजदूर तबका मुतासर होगा। लोग ईद की शॉपिंग अभी से कर लें, आगे लॉकडाउन लग सकता है। जिन शहरों में कोरोना केसेस की शरह 5% से ज्यादा है वहां स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा रहे हैं सरबरा एनसीओसी असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक होंगे। इतनी ऑफर दी, बताया, कॉन्टेक्ट किया, एडवर्टाइज किया कि भाई कॉन्टेक्ट कर लो, आओ मदद ले लो, लेकिन नहीं। अब समझ में आ रहा है, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कोरोना नहीं संभलेगा इतनी आसानी से, दुनिया से नहीं जाएगा हमेशा के लिए, इसलिए अकल इस्तेमाल करो, वरना उसके अलावा कोशिशें करते रहो तजुर्बे। लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, कभी कोरोना इधर मारेगा, कभी कोरोना उधर मारेगा, कभी कोरोना शक्ल बदलेगा, कभी कोरोना कुछ करेगा, करता रहेगा। अरे भाई, अल्लाह है, कंट्रोल कर रहा उसको। बहरहाल ये जो खबरें चला रहे हो आप, लॉकडाउन से ये हो गया, वो हो गया, फिर ये करना है, फिर आवाम का मसला, यूँ भाई परेशान हैं लोग, होते रहेंगे, गुरबत, महंगाई, ये सब तो होगा। पूरी दुनिया में तमाशा मचा के रखा हुआ है खुदाओं के नाम पर, हैं पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बनाया हुआ हज़ारों सदियों से बातिल खुदाओं के नाम पर, हैं खुदाओं का फैसला ही नहीं कर रहे मीडिया के ऊपर बैठ कर, फजूल टॉपिक्स पर काम हो रहे हैं, फजूल चीज़ों पर बहस मुबाहसा हो रहा है, खुदाओं के वजूद पर क्यों नहीं आ रहे? खुदाओं के वजूद पे बात करो, खुदाओं के वजूद पे टॉपिक करो, खुदाओं के वजूद पे अपने ये टॉक शोज करो, खुदाओं के वजूद पे बुलाओ मज़हबी पेशवाओं को। अगर दीन इस्लाम से कोई नहीं मिलता तो मैं आने को तैयार हूँ अल्लाह के फजल से, आओ बुलाओ मज़हबी पेशवाओं को, खुदाओं का फैसला करो इस दुनिया के अंदर, जिनके नामों पर मैं इतने बड़े बड़े मज़ाहिब बनाए हुए हैं और फिर उसके अंदर फिर लोगों को लड़वाया है, फिर उनके नामों पर, उन खुदाओं के नामों पर फौजें खड़ी की हैं, फिर उन खुदाओं के नामों पर फौजों के ज़रिए से एक दूसरे को मारने के लिए एटमी हथियारों पर करोड़ों खरबों रुपया लगाया जा रहा है। अरे पहले खुदाओं का फैसला करो, बगैर खुदाओं का फैसला किए कहाँ इधर उधर की लगे हुए। तो कोरोना तो फिर अभी, कोरोना तो बड़ी छोटी चीज़ है, कोरोना तो बहुत छोटी चीज़ है जो कोरोना के बाद आने वाला है, और कोरोना के बाद जो कुछ आएगा अल्लाह के हुक्म से उसको कैसे संभालोगे? नहीं संभाल सकते। तो ये कोरोना से सबक सीख लो, और ये सबक सीख लो तो अच्छी बात है, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।